नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और आज है तारीख 27 जुलाई 2023 दिन गुरुवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करें जिससे आपको प्रदेश की खबरें रोजाना मिल सकें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। किन्नौर में अनियंत्रित होकर सतलुज नदी में गिरी जीप, दंपति समेत 3 लापता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के छोलटू जानी संपर्क मार्ग पर बुधवार देर शाम 6 बजे अनियंत्रित होकर एक पिकअप सतलुज नदी में जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी में सवार दंपति समेत 3 लोग सतलुज में बह गए जबकि एक महिला घायल है। सूचना मिलते ही टापरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को छोलटू अस्पताल पहुंचाया और लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी। SP किन्नौर विवेक चहल ने बताया कि पिकअप टापरी से जाने की ओर जा रही थी कि अचानक छोलटू जानी संपर्क सड़क पर तेनांग में गाड़ी सतलुज में जा गिरी। गाड़ी में सवार वाहन मालिक एवं चालक जीवन सिंह नेगी उम्र 43 वर्षीय, उनकी पत्नी चंपा देवी उम्र 44 वर्षीय और अनीता उम्र 34 वर्षीय, तीनों निवासी जानी जिला किन्नौर, सतलुज के तेज बहाव में बह गए। अन्य महिला राजकुमारी गाड़ी से गिरकर नदी किनारे जा गिरी और घायल हो गई। SP ने बताया कि तीनों की तलाश शुरू कर दी गई है। बाढ़ में बहे 2870 स्लीपर, 722 क्यूबिक मीटर बालन जब्त, जंगलों में अब ड्रोन से रखी जाएगी नजर। हिमाचल प्रदेश के सभी जंगलों की ड्रोन से निगरानी होगी। बाढ़ से लाखों रुपए की इमारती लकड़ी पानी के बहाव के साथ आबादी वाले क्षेत्रों में आने से सभी चौंक गए हैं। अब तक वन विभाग ने 2870 स्लीपर और 722 क्यूबिक मीटर बालन ठेले बरामद किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पानी के बहाव के साथ आई इमारती लकड़ी के बरामद किए जाने का सिलसिला जारी है। सरकार ने जिलों के DFO को निर्देश दिए हैं कि वे वन काटुओं पर कड़ी नजर रखें, इन लोगों पर कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे पहुंचाएं। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के चलते थुनाक बाजार में भी भारी संख्या में इमारती लकड़ी और बालन पहुंच गई। स्लीपर पानी में बहते हुए बाजार तक आ गए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। CM ने भी अधिकारियों को जंगलों को सर्विलांस रखने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग की ओर से यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर इतनी लकड़ी कब काटी गई। सहपाठियों ने अंशदान से बनाई शहीद दोस्ती प्रतिमा, विजय दिवस पर अनावरण। कारगिल शहीद अश्विनी कुमार को कारगिल विजय दिवस पर स्कूल के सहपाठियों ने अलग अंदाज में श्रद्धांजलि दी। सहपाठियों ने आपसी सहयोग से 2,00,000 रुपए एकत्रित किए और अश्विनी कुमार की प्रतिमा बनवाई। इसका बुधवार को स्कूल में अनावरण किया गया। उपमंडल के शहीद अश्विनी कुमार स्मारक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झंडूता में पूर्व सैनिकों ने कारगिल विजय दिवस मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैप्टन अनंत राम ने प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शहीद अश्विनी कुमार के पिता सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक जोगिंदर सिंह उपस्थित रहे। शहीद अश्विनी कुमार का जन्म 8 अप्रैल 1974 को ग्राम पंचायत झंडूता के जेठवी गांव में हुआ था। ब्रिगेडियर सांबियाल बोले, कारगिल जैसा युद्ध न किसी और ने लड़ा न ही जीता। हिमाचल प्रदेश के राज्य युद्ध स्मारक धर्मशाला में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें धर्मशाला स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर SVPS संबियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कारगिल शहीद सूबेदार खेमचंद राणा की बेटी जया ने भी शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल, ASP हितेश लखनपाल, SDM धर्मेश रमोत्रा समेत शहीद स्मारक समिति के उपाध्यक्ष कर्नल गणेश, कर्नल कटोच, पूर्व सैनिकों, स्थानीय लोगों ने भी शहीदों की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ब्रिगेडियर KVPS संबियाल ने कहा कि वो भारतीय सेना और तमाम नागरिकों की ओर से उन शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं जिन्होंने जवाने की परवाह न करते हुए हंसते हंसते देश की रक्षा करते हुए प्राण न्योछावर कर दिए। सरकारी निजी BEd कॉलेजों में परीक्षाएं 10 अगस्त से, HPU शिमला ने जारी किया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने निजी और सरकारी BEd कॉलेजों में चल रहे BEd कोर्स की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 10 अगस्त से शुरू होंगी और सितंबर तक चलेंगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के शेड्यूल को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। शेड्यूल के अनुसार HPU BEd की रेगुलर दूसरे चौथे सेमेस्टर और इगडोल के पहले दूसरे वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जानी है। HPU के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित करेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र स्थापित करेगा और इसमें 10,000 से 15,000 विद्यार्थी अपीयर होंगे। BEd कोर्स के छात्रों ने बीते दिनों परीक्षाओं का शेड्यूल जल्द जारी करने की मांग अधिकारियों के समक्ष रखी थी। आज का सुविचार, भरोसा उस पर करो
जो तुम्हारी तीन बातें जान सके। पहली, हंसी के पीछे का दर्द, दूसरी गुस्से के पीछे का प्यार, और तीसरी आपके चुप रहने की वजह। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।